हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। मेरा नाम सरिता साहू। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसका एक्सरसाइज 8.1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का कॉन्सेप्ट लिया था, जो कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप मैं कर लेती हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में थ्री साइड्स होते हैं पी बी एंड एच। 90 के जस्ट अपोजिट वाला साइड दैट इज एच, एंड जिस एंगल को हम एंगल ऑफ रेफरेंस मानेंगे उसके अपोजिट वाला साइड दैट इज पी, और जिस एंगल को हम एंगल ऑफ रेफरेंस मानेंगे उसका जस्ट जो एडजेसेंट साइड है दैट इज कॉल्ड बी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एबी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट नंबर है आपका साइन ए कॉस ए, एंड सेकंड है साइन सी कॉस सी। ठीक है, तो फिगर हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, जैसा हमको जानकारी दिया हुआ है, जैसा हमारे पास ये है क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके आधार पर हम लोग फिगर बनाएंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल ट्रायंगल है पॉइंट बी पर क्या बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, और ये मान लिया ए बी है और ये ट्रायंगल का नाम क्या है एबीसी, एंड राइट एंगल एट बी दैट मीन्स की पॉइंट बी पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, ए और सी हम कुछ भी रख सकते हैं, हो सके यहां भी ए रख सकते हैं, यहां पर भी सी रख सकते हैं। ठीक है, फिर बोला है AB इक्वल्स टू 24, AB का जो वैल्यू है वो है हमारा 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन ए निकालिए, साइन ए दैट इज एंगल ए यहां पर है, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। तो जब एंगल ए यहां पर हम एंगल ए को जब हम रेफरेंस में मान रहे हैं तो इसके लिए पी हो जाएगा 7 एंड एच हमको नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम एसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सिंस एसी स्क्वायर इक्वल्स टू, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। AC हमें नहीं पता है, AB पता है कितना 24, तो 24 का होल स्क्वायर, BC पता है 7, 7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायरिंग होता है 576 एंड 7 49, ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। ठीक है, और हमें तो चाहिए क्या, इधर क्या चल रहा है AC स्क्वायर AC स्क्वायर AC स्क्वायर, बट हमें क्या चाहिए मान लीजिए AC, हेंस वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स, जब स्क्वायर रूट लेंगे देन वी हैव AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, है ना, दैट मींस AC का वैल्यू हो गया आपका 25। क्लियर, नेक्स्ट है आपका साइन ए, है ना, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है साइन ए, ध्यान दीजिएगा साइन ए, साइन ए, साइन ए एंगल ए है साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, एच तो हमारा ये फिक्स है, एच हमारा क्या है फिक्स है, जब एंगल ए देखते हैं तो एंगल ए के लिए पी क्या हो जाएगा 7, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हम जानते हैं क्या होता है पी बाई एच, और यहाँ पर पी क्या है बी सी, एच क्या है ए सी, बी सी का वैल्यू हमारा है 7, ए सी का वैल्यू क्या है 25। इस तरह से साइन ए निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉस ए, कॉस ए कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बी बाई एच। ठीक है, एंगल ए यहाँ है हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, तो जब एंगल ए के लिए क्या था ये पी है ये एच है, एक बार हम लिख ही देते हैं ये पी, एंगल ए के लिए ये पी एच और बच गई है बी, तो कॉस ए के लिए बी, बी दैट मींस की 24 ए बी डिवाइडेड बाय एच क्या है ए सी, ए बी का वैल्यू है आपका 24 एंड ए सी का वैल्यू 25। ठीक है, सेकंड नंबर है, वन में ही था वो क्वेश्चन, सेकंड है आपका साइन सी, जब C पर बात करेंगे तो C के लिए P B S का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, H तो फिक्स है लेकिन साइन C के लिए साइन C डेट मीन जब एंगल ये मान रहे थे इसके लिए P क्या हो जाएगा ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। ठीक है, तो साइन C साइन C साइन की टाइप होता है P बाई एच, P बाई एच, एंड इसके लिए P कितना है
एच कितना है ए सी, ए बी का वैल्यू है आपका 24 एंड ए सी का वैल्यू 25। क्लियर। फिर कॉस सी अगर हम निकालते हैं, कॉस सी कॉस थीटा इक्वल्स होता है बी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच एंड फ्रॉम फिगर कॉस सी के लिए बी क्या है बी सी ना बी सी और ये क्या है ए सी, तो 7/25 दिस इज द आंसर। ठीक है, तो सवाल हमारे लिए इजी हो जाता है जबकि मैथ्स में हम कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन फिगर फाइंड टैन पी माइनस कॉट आर, पी यहाँ है आर यहाँ, फिगर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पर राइट एंगल है। ठीक है, दो साइड पता तो तीसरा हम वही पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे, जब तीसरा साइड निकल जाएगा उसके बाद कॉट आर निकालना है टैन पी निकालना, दोनों का वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन सिंस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का वैल्यू फिगर में दिया हुआ 13, ये हो गया 13 का स्क्वायर, ये हो गया 12 का स्क्वायर एंड ये है क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 का प्लस ये है आपका क्यू आर स्क्वायर। देन 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्या है क्यू आर स्क्वायर, सॉल्व करते हैं देन वी गेट 25 और ये क्यू आर का स्क्वायर। रूट करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, ओनली क्यू आर चाहिए, क्यू आर स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका 5, देन क्यू आर इक्वल्स टू क्या हो गया 5, ये क्यू आर हो गया आपका क्या चीज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट टैन पी, अब हमें चाहिए टैन पी एंड कॉट आर, देन टैन पी टैन थीटा टैन पी टैन पी टैन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई बी, पी बाई बी जब पी का बात करेंगे, जब एंगल पी को एंगल ऑफ रिफरेंस मानेंगे तो ये तो एच भैया फिक्स है, ये हमारा पॉइंट एंगल पी के लिए ये क्या हो गया ये पी हो गया और ये पी हो गया टैन पी, तो ये हो गया क्यू आर और बी का वैल्यू क्या है पी क्यू, क्यू आर है हमारा 5, पी क्यू है हमारा 12। ठीक है, फिर कॉट आर निकालते हैं, कॉट आर फिर चेंज हो जाएगा एंगल आर के लिए पी बी चेंज हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा ठीक एंगल आर का अपोजिट वाला साइड ये पी, एच तो फिक्स है और ये हो गया क्या चीज बी। ठीक है, तो कॉट आर इक्वल्स टू कॉट क्या होता है टैन का अपोजिट, तो ये होता है बी बाई पी एंड आर के लिए, आर के लिए बी क्या है क्यू आर है आपका एंड पी क्या है पी है पी क्यू, तो ये हो गया 5/12। ठीक है, 5/12। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, नाउ हमें निकालना है टैन पी माइनस कॉट आर, टैन पी का वैल्यू 5/12 एंड कॉट आर का वैल्यू 5/12, दोनों जब सेम सेम है साइन अपोजिट है कैंसिल आउट हो जाएगा देन वी हैव 0। ठीक है, तो दिस इज अ आंसर। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आपको सवाल के जवाब तक पहुंचना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ साइन ए इक्वल्स टू है 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए। तो इसके पहले जो दो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें क्या था एग्जैक्ट साइड का लेंथ पता था, राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी दो साइड पता था, तीसरा हम निकाल लेते थे और फिर जो निकालने के लिए बोला है वो निकल जाता था। ठीक है, बट यहाँ क्या है इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें क्या है एग्जैक्ट लेंथ ना देकर क्या दिया है रेशियो दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे बनता है। तो साइन ए है ना, साइन एंगल ए का हम जब साइन निकाल रहे हैं दैट मीन पॉइंट ए पर, या फिर कहा जा सकता है कि ए जो है वो अक्यूट एंगल राइट एंगल नहीं, तो फिगर पहले बना लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैं तो फिगर ही बनाती हूँ तो ही समझ पाती हूँ, है ना, आपके लिए जो आसान लगे। जैसे ए मेरा अक्यूट हो सकता है, ठीक है, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया तो कुछ भी ले सकते हैं, तो मान लिया ए बी और सी ले लिए। ठीक है, ए जब रहेगा वो अक्यूट ही रहेगा, मतलब ए यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, राइट एंगल के पोजिशन पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो नाउ सिंस साइन ए इक्वल्स टू क्या है 3/4 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है पी बाई एच। ठीक है, और अगर ए यहाँ पर है, यदि ए यहाँ पर है तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये पी हो जाएगा,
90 के अपोजिट वाला एच हो जाएगा, बच जाएगा ये क्या चीज बी, ठीक है। तो पी का मतलब क्या हो गया, डेट मीन्स पी हो गया ये बी सी एंड एच हो गया क्या चीज ए सी, ठीक है। तो अब ध्यान देना है ये जो है हमें क्या दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ। तो रेशियो को सेपरेट करने के लिए जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेशियो को सेपरेट करने के लिए एक क्या लगाते हैं, वेरिएबल लगाते हैं। डेट मीन्स की हम मान सकते हैं लेट बी सी जो है वो क्या है 3x या 3k कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है 3k एंड ए सी कॉस्ट क्या है 4k, ठीक है यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी है हमारा 4k एंड ए सी क्या है बी सी है सॉरी बी सी है आपका 3k एंड ए सी क्या है ए सी है 4k, ठीक है। तो ये दो साइड पता है तो तीसरा हम निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ सिंस AC square equals to क्या है AB square plus BC square, AC का वैल्यू हमें पता है कितना 4K, 4K का स्क्वायर, AB हमें नहीं पता है, AB के स्थान पर B लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर एंड BC पता है 3K का होल स्क्वायर, ठीक है। 4K का स्क्वायर डेट मीन्स 16, K स्क्वायर ये हो गया B स्क्वायर और 3K स्क्वायर डेट मीन्स 9 K स्क्वायर, 16k square minus 9k square equals to क्या हो जाएगा b square, 16 में से 9 जाएगा आपका आ जाएगा 7k square equals to क्या है b square, हमें मान ली b चाहिए रूट लगाएंगे, रूट लगाएंगे तो ये हो जाएगा रूट 7k equals to क्या चीज b, that means कि b का वैल्यू आ गया रूट अंडर 7 into k, ठीक है। अब आ जाते हैं सवाल पे, सवाल में हमारा दो क्वेश्चन है, क्या है cos a भी निकालना tan a भी निकालना, ठीक है। नाउ नाउ cos a, cos theta equals to क्या होता है b by h, एंगल a पर बात करना है, एंगल a का रेशियो निकालना है क्या चीज b by h, इसके लिए एंगल a के लिए क्या है ये p है h है और ये b है, तो b हमें क्या निकला है रूट 7k एंड h है 4k, k कैंसिल आउट हो गया देन वी गेट रूट 7 by 4, फिर ये आपका tan a, tan theta cos theta होता है p by b है ना p by b, तो ये p है ना p, p है आपका 3k and b है आपका root 7 k, k k cancel होगा then we get 3 by root 7, this is your answer, ठीक है। तो इस तरह से आपका exercise 8.1 का 30 सवाल आज हम लोगों ने किया, तो आपको इन 3 सवालों को कम से कम दो दो बार practice करना है, ठीक है। नोट कॉपी में आप लिख रहे हैं वो अलग है और आपको खुद से प्रैक्टिस करना है क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस आपने वीडियो देखा और कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। इसको आपको बनाते चलना है तब जाकर ये आपका अपना होगा, ठीक है।